दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स एंगल पर बात पहुंच चुकी है और परत दर परत इस मामले में अब बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। मामले में रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद एनसीबी रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ कर चुकी है, जबकि सारा अली खान और दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इसके बाद गोवा में अपनी मां के साथ छुट्टियां मना रही सारा अली खान को फिर से मुंबई आना पड़ा और वो पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने पेश होंगी। दोस्तों, सारा जब सैफ और अमृता की बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सैफ को भी इसकी टेंशन रही होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। दोस्तों, कई फिल्मी मैगजीन्स ने दावा किया है कि ड्रग्स के मामले में नाम आने के बाद सैफ अपनी बेटी सारा अली खान और सारा की माँ अमृता सिंह से काफी ज्यादा नाराज है। कुछ वेबसाइट्स का ये दावा है कि सैफ ने यहाँ तक कह दिया कि इस मामले में सारा का नाम आने की जिम्मेदार उनकी माँ यानी कि अमृता सिंह है, इस कारण सैफ अमृता से काफी खफा नजर आ रहे हैं। दोस्तों, माना जा रहा था कि सैफ इस मामले में अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ करेंगे, वो अपनी बेटी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक तरफ जहां सारा गोवा से मुंबई पहुंची, तो दूसरी तरफ सैफ ने अपने परिवार के साथ मुंबई ही छोड़ दिया। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी पत्नी अभिनेत्री करीना कपूर खान और बेटे तैमूर संग बुधवार को दिल्ली के पास पटौदी पैलेस पहुंच गए हैं, यानी कि जहां सैफ को अपनी बेटी के साथ खड़ा नजर आना चाहिए था, वहां वो अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे को लेकर मुंबई से बाहर चले गए। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही है और प्रेग्नेंट करीना को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सैफ कुछ दिनों के लिए पटौदी पैलेस में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि सैफ आखिर अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए मुंबई में क्यों नहीं रुके। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।